को उस बच्चे के साथ, कल को हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। एक बच्चे का ये बात नहीं है, पूरे स्कूल के सारे बच्चे का बात है ये। क्योंकि वीडियोस है, प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो क्लास के टीचर थे वो कहा गया, उनको सस्पेंड किया जाए। जो सारे बच्चे हैं उनको, तीनों को लाया जाए, उनको अपना गुनाह कबूल कराया जाए। मन है कि जल्दी से जल्दी जो भी विषय है, मृत्यु का कारण पता चलना चाहिए। मृत्यु हुआ तो क्यों हुआ? ये बिल्कुल हम लोग को सोचने पर विवश करती है कि एक काउंसलिंग हो, पेरेंट्स मीटिंग का अभी बुलाया जाना चाहिए घटना के बाद भी, क्योंकि जो भी अभिभावक है वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजने में बहुत डर रहे हैं। जैसे भी हुआ, जो हुआ उसको ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जिस रीजन से हुआ, हम लोग को वो रीजन चाहिए, और जो किया हमें वो इंसान चाहिए। अस्मित आकाश की मौत को लेकर निकली कैंडल मार्च, डिनोबली स्कूल प्रबंधन की करतूत पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। डिनोबली स्कूल सिंदरी के छात्र अस्मित आकाश की स्कूल में पिछले 23 मार्च को हुई रहस्यमयी मौत के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा 3 मिनट के वीडियो फुटेज गायब करने से निष्पक्ष जांच पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 3 मिनट का वीडियो डिलीट का मामला जैसे ही सार्वजनिक होगा, मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिंदरी के लोगों में रोष व्याप्त है। देर शाम मौन धारण कर कैंडल मार्च कर हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने अपना आक्रोश दर्ज किया। सिंदरी की जनता और समाज सेवियों ने अस्मित आकाश को न्याय दिलाने के लिए सर्वप्रथम नेहरू मैदान से मौन धारण करते हुए कैंडल मार्च निकाला, जो भूंजा मोड़ मिलन मोड़ होते हुए डिनोबली स्कूल के समीप रुकी। तदुपरांत रोहड़ा बांध स्थित संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर चौक पर समाप्त हुआ, जहां 2 मिनट का मौन रखकर मृत अस्मित आकाश को श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, अभिभावक, महिलाएं आदि शामिल रहीं। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मामला बेहद संगीन और संवेदनशील है। टीचर, प्रिंसिपल और उस स्टूडेंट को पकड़ा जाए। प्रशासन से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज उसका सपोर्ट कीजिए। प्रशासन अभी तक क्या कुछ कार्रवाई किया है? प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो अच्छी तरीके से। बस कुछ लोग यहाँ पे उसको मर्डर नहीं बोल रहे कि वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो मर्डर की इंटेंशन से मारा गया है। सो प्लीज आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए। अस्मित आकाश के आप कौन हैं? हम लोग बस उसके फ्रेंड हैं, वो हमारे बच्चे जैसा है। कल को उस बच्चे के साथ, कल को हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। एक बच्चे का ये बात नहीं है, पूरे स्कूल के सारे बच्चे का बात है ये। यानी पूरा पूरी आप देख रहे हैं कि स्कूल प्रबंधक की लापरवाही है? हाँ, स्कूल का लापरवाही है। प्रिंसिपल, टीचर और वो सारे स्टूडेंट जो बच्चे को मारा है। क्या नाम हुआ आपका? रानी मिश्र। अस्मित आकाश की मौत से भी बड़ा सवाल अपराध कैमरे में कैद फुटेज को गायब करना है। हत्या इरादतन हो या फिर गैर इरादतन, सच्चाई का सामने आना बेहद जरूरी है। विद्यालय प्रबंधन के अलावा आरोपी 3 सहपाठियों को निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा समाज में भय समाप्त हो जाएगा। दोषियों को हर हाल में दंड मिलना चाहिए। स्कूल प्रबंधन पूरे मामले से बच नहीं सकता, उन्हें आगे आकर सच को सार्वजनिक कर मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। अगर किसी भी तरह से मामले का पटाक्षेप नहीं होता है तो डिनोबली स्कूल सिंदरी को बंद कर दिया जाएगा। हमारा यही है कि हमारे जो बच्चे जो डेथ किए उनको जस्टिस चाहिए। जस्टिस में हमारा ये है कि पहली बात की डिनोबली खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिनोबली खुल गया वो इजीली उसको सोचेंगे क्या, चलो ठीक है ये सारा कम ओवर हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। आम इंसान का कोई फीलिंग नहीं, हमारे बच्चे भी तो डिनोबली में पढ़ रहे हैं ना। हमारे बच्चे के साथ जो चला गया उसका भी राइट हम लोग को चाहिए। डिनोबली नहीं खुलना चाहिए जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग को। जो जिसके वजह से भी हुआ, जो हुआ उसको ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जिस रीजन से हुआ, हम लोग को वो रीजन चाहिए, और जो किया हमें वो इंसान चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपका नजर में स्कूल प्रबंधक का पूरा इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वीडियोस है, प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो क्लास के टीचर थे वो कहा गया, उनको सस्पेंड किया जाए। जो सारे बच्चे हैं उनको, तीनों को लाया जाए, उनको अपना गुनाह कबूल कराया जाए। अगर वो नहीं कराएंगे तो डिनोबली कभी पूरे फ्यूचर में नहीं खुलेगा, इसका गारंटी सब कोई लेता, आम पब्लिक लेता है। जिनके गए वो अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो यहाँ आकर लड़े, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटी हम लोग लड़ेंगे उनके साथ। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह, आई एम स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन।
काम चले गए और आज हजारों की संख्या में लोग कैंडल मार्च के लिए निकले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले तो मैं मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ उनके शांति के लिए, और उनके जो परिवार है उनको इस दुख की घड़ी में हम लोग उनका साथ है। एक शिक्षक होने के नाते अभी जो कोरोना के बाद विद्यालय खुला है, बच्चों का व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन हम लोग विभिन्न जगहों पर विभिन्न रूप से देख रहे हैं। ये जो समय है इसमें विद्यालय प्रबंध, हमारे शिक्षक, अभिभावक सभी को एक मंच पर खड़ा होकर और विद्यार्थियों को एक काउंसलिंग करके हम लोग एक सही रास्ता दिखाएं। पहले जैसे सिलेबस में रहता था एक नैतिक शिक्षा, हम लोग पढ़ाते थे उस समय क्या होता था कि बड़े छोटों के बीच में जो आदर है, बड़ों के लिए जो रिस्पेक्ट था, जो हमारे सीनियर बच्चे हैं उनके लिए भी जो रिस्पेक्ट था, आज वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। हम लोग कई बार ये मांग कर चुके हैं कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा की भी पढ़ाई हो, जिससे बच्चों के बीच में अनुशासन का भावना बरकरार। सर, कहीं 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 आपको नहीं लग रहा कि स्कूल प्रबंधक के द्वारा ये एक लापरवाही है, जो एक बच्चा का 15 साल का बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता उसका जान चला गया, और जो गार्जियन है उसका भी कहना है कि वीडियो के साथ CCTV के साथ छेड़छाड़ किया गया है, क्या कुछ लग रहा आपको? बिल्कुल, ये जाँच का विषय है और इस पर जाँच होनी चाहिए। अगर सभी को लगता है, अभिभावक को लगता है कि घटना कैसे घटी, क्यों घटी, उस समय कक्षा में शिक्षक थे नहीं थे, अगर हर वर्ग कक्ष में CCTV की व्यवस्था थी तो प्रिंसिपल का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है। विद्यालय प्रबंधन को इसका जवाब देना होगा और ये जांच का विषय है कि 3 मिनट का जो CCTV रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया, इसका भी हम लोग चाहते हैं कि सभी जानना चाहता है कि इस तरह की घटना कैसे घटी। आए दिन हम लोग ये घटना देख रहे हैं। हम लोग परसों देखे कि हरियाणा का हिसार में 12वीं के एक छात्र दूसरे छात्र को चाकू मार देता है और स्कूल में ही उसका देहांत हो जाता है। तो कोरोना के बाद जो घटित हो रही है घटनाएं, ये बिल्कुल हम लोग को सोचने पर विवश करती है कि एक काउंसलिंग हो, पेरेंट्स मीटिंग का अभी बुलाया जाना चाहिए घटना के बाद भी, क्योंकि जो भी अभिभावक है वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजने में बहुत डर रहे हैं कि विद्यालय से अगर उसके पास कोई भी फोन जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे कि मेरे बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया क्या। तो ये सभी जानना चाहता है कि इस तरह की घटना क्यों घटी और आधा एक घंटा जो शिक्षक के द्वारा या प्रबंधन के द्वारा जो लेट किया गया वो लेट नहीं करना चाहिए था, उनको तुरंत माने स्वास्थ्य सुविधा देने की जरूरत था, हो सकता है वो जिंदा बच जाता। सर, एक सवाल आती है, विद्या ददाती विनियम, ये शब्द का जो हमारा यही है, अभिभावक का, उनके माता पिता का जो भी मांग है, 3 मिनट का वीडियो कहाँ गया? हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि डिनॉबली स्कूल को दोषी ठहरा रहे या किसी बच्चे को दोषी ठहराना हमारा मकसद है। हमारा मकसद यह है कि हम बच्चे की मृत्यु क्यों हुई, यह तो होना चाहिए ना। सभी घरों में बच्चे हैं और सभी लोग सशंकित हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या उनके साथ ऐसा हो सकता है। 3 मिनट का वीडियो गायब होना कहीं ना कहीं संशय को पैदा करता है, और सुबह में 3 बजे तक हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में रहे और उसके बाद भी आज तक यह नहीं घोषित हुआ कि किस कारण से मृत्यु हुई। अगर बच्चे की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, कैसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब ठीक है, लेकिन हमारा सिर्फ जानना ये है, गार्जियन का भी यही कहना है कि मृत्यु का कारण क्या है, क्यों मृत्यु हुई। कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन और प्रशासन का लापरवाही इसमें दिख रहा है। लापरवाही प्रशासन का हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि प्रशासन अपना लगा हुआ है। उस दिन हम लोग गए थाना में और थाना से तुरंत प्रशासन जो है जा करके इस वहाँ थाना पहुँचा हम लोग के साथ ही, लेकिन स्कूल प्रबंधन जो है 2-2.5 घंटा मृत्यु के बाद भी थाना को सूचित नहीं किया, और जो CCTV कैमरा हम लोगों ने देखा, उस कैमरा में जो लास्ट में जो वीडियो है जहाँ पर उठा के आप ले जा रहे हैं, वह वीडियो का मैंने वीडियो CCTV फुटेज जो है बंद कर दिया गया या क्या कारण था, यह जांच का विषय। प्रशासन द्वारा मामला दर्ज किया गया, किसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है? अज्ञात के ऊपर, क्योंकि किसी अभिभावक को भी तो, उनके माता पिता को भी तो नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। हम यहाँ CCTV फुटेज देखे, क्योंकि हम लोग थाना में जब गए, यहाँ पे थाना में तो टीचर आए तो हमने कहा कि अगर कंट्राडिक्टरी आप बोलिएगा तो फंसिएगा, CCTV फुटेज हम लोग देखेंगे, और CCTV फुटेज में हल्का फुल्का झड़प दिख रहा है जो बच्चों के द्वारा होता है सामान्यतः, हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसी झड़प से अगर मृत्यु नहीं हो सकती है,
जैसा कि पेपरों के माध्यम से हम लोग को पढ़ा है, हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखे हैं। अगर उसके कारण मृत्यु नहीं हो सकती है तो मृत्यु का कारण क्या है? और तीन मिनट जो फुटेज गायब है सीसीटीवी का, वो संशय पैदा करता है, ठीक है ना। तो ये मूल विषय है कि हमारा सभी लोग जानना चाहते हैं कि मृत्यु क्यों हुआ उस बच्चे का। मैच बनाया है एक पीरियड पहले, बहुत बढ़िया था, सब ठीक है, धक्का मुक्की एक दूसरे को कर रहा है जो सामान्यतः होता है स्कूल में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मृत्यु का कारण क्या वही झड़प था या तीन मिनट का जो फुटेज गायब है उसमें हुआ है? ये मूल गार्जियन का कहना है, हमारा नहीं। गार्जियन हर एक बार जब आप लोग पूछ रहे हैं तो यही कह रहे हैं। और मेरा भी आज कैंडल मार्च पूरा हजारों की संख्या देखा गया है, लोग जुटे हैं। अगर आप लोगों का मांग को सुना नहीं जाता था, आगे की क्या कीजिएगा? देखिए वो हमारे बाबू थोड़ा सा चुप कहना है कि ये हमारे अभिकर्ता थे भारतीय जीवन बीमा निगम झरिया शाखा के, और यहाँ मंडल कमेटी के पदाधिकारी भी आए हैं हजारीबाग मंडल के लियाफी के, सिंदरी शाखा के लोग हैं। यह अगर यहाँ मामला नहीं होता है, धनबाद में कैंडल मार्च हम करेंगे। फिर हमारे जिम्मे जो है, हम पूर्व मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, हमारे जिम्मे बिहार, उड़ीसा और झारखंड है। पहले बार हम करेंगे कि पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट में हम कैंडल मार्च कराएंगे अपने लोगों के द्वारा, उसमें जो भी शामिल होना होगा होगा, क्योंकि उड़ीसा से ही रिलेटेड थे और उड़ीसा हमारे जिम्मे भी है। नहीं मानेंगे तो पूरे ऑल इंडिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह के हम लोग कराएंगे। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक आप लोग निकाले हैं? शहरपुरा से चला यहाँ पर और यहाँ नेहरू मैदान तक, और आपने देखा कि यहाँ से लेकर के शहरपुरा बाजार तक एकदम लंबा जुलूस था। यह मैंने सभी लोगों का मन है कि जल्दी से जल्दी जो भी विषय है मृत्यु का कारण पता चलना चाहिए। मृत्यु हुआ तो क्यों हुआ, बस यही विषय, और कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, और स्कूल के खिलाफ कुछ भी नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ने कोताही बरता है, ये सच्चाई है, और आगे से किसी बच्चा कोई अस्मित ना मरे इसके लिए कैंडल मार्च।